Hello everyone, this video is for students who are appearing for 2022 exam. I know बहुत कम टाइम बचा है एंड यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि अब इतने कम टाइम में जब आपके पास इतना सारा स्टडी मटेरियल है तो फिर कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और इतने वास्ट सिलेबस में जहाँ पे कुछ भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, इतने वास्ट सिलेबस में चीज़ें शुरू कहाँ से करनी है. सो आई डू रिसीव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ वॉइस नोट्स फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट्स कि मैम एटलीस्ट हमें एक स्टडी प्लान बता दो, एक स्टडी प्लान में हमारी हेल्प कर दो. सो आज का जो वीडियो है फॉर DUA LLB स्टूडेंट्स 2022, दिस इज डेडिकेटेड टू योर स्टडी प्लान कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है. देखिए एग्ज़ाम निकालने में जितना ज़रूरी ये जानना होता है कि क्या पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना होता है कि क्या नहीं पढ़ना है. बिकॉज यू नो इट्स बीन सो मेनी ईयर्स वी हैव बीन ब्लेस्ड दैट वी आर सेंडिंग स्टूडेंट्स टू फैकल्टी ऑफ लॉ विद मेयर 15 डेज प्रेपरेशन. ठीक है, सिर्फ 15 दिन में कुछ तो ऐसा होता होगा ना, मतलब कि हम कोई तो उसकी रेसिपी होगी जिसकी वजह से सिर्फ 15 दिन की तैयारी में बच्चे फैकल्टी ऑफ लॉ पहुंच जाते हैं. उसकी रेसिपी यही है कि हम लोगों ने बहुत कुछ फिल्टर किया हुआ है कि जो पढ़ाना नहीं है फिर आपके पास सिर्फ वही बच जाता है जो पढ़ना है. ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए और कौन कौन से एरियाज हैं जो आपको कवर करने हैं. तो आपको पता है कि जो पूरा सिलेबस है फैकल्टी ऑफ लॉ ने जो दिया हुआ है लॉ एंट्रेंस का, वो वैसे तो बहुत वास्ट है मगर उसको हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. सो बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर ओन स्टडी प्लान, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पेनिंग डाउन एवरीथिंग व्हाट आई एम मेंशनिंग टुडे और आप आज से लेकर एग्जाम तक का अपना स्केड्यूल इसके ही हिसाब से बनाएंगे. ठीक है, तो हमने पूरे सिलेबस को 5 सेक्शंस में मेजरली डिवाइड किया हुआ है. सो नंबर 1 सेक्शन इज लीगल. अब भैया लॉ एंट्रेंस एग्जाम है तो लीगल तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा. सेकेंड सेक्शन इज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, इसको हम एक ही सेक्शन में डिवाइड करते हैं. थर्ड सेक्शन इज योर इंग्लिश, फोर्थ सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड लास्ट एंड लीस्ट इज मैथ्स. तो ये मेजरली 5 सेक्शंस हैं जिनको अलग अलग तरीके से सेगमेंट करके एग्जाम आपसे 100 क्वेश्चंस बनाता है. मैंने ऑर्डर में ये लिखे हैं वही ऑर्डर इनके प्रेफरेंस का भी है एग्जाम. मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके ये 2 सेक्शन अच्छे से तैयार हो गए तो आपने 70% पेपर ऑलरेडी तैयार कर लिया है. ठीक है, तो ये जिस ऑर्डर में लिखे हैं यही ऑर्डर है एग्जामिनर की प्रेफरेंस का भी. सो अब हम एक पहली भी बात करते हैं, अगर हम लीगल की बात करते हैं, सिर्फ लीगल में बहुत सारे एरियाज हैं जो आपको पढ़ने हैं. सबसे पहला टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, IPC, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, लीगल टर्म्स, बेंचमार्क केसेस. ये वाले सारे एरियाज हैं जो कि आपको लीगल वाले सेक्शन में तैयार करने हैं. ठीक है, देखो ये 4 जो एरियाज हैं, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल उस सब कुछ पता होना चाहिए टॉट का जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को पता होता है. नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस वाले एरिया में टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, IPC, फैमिली लॉ में उतना पता होना चाहिए जितना कि किसी लॉ एस्पिरेंट को पता हो. मतलब कि देखो आप साइकोलॉजी समझो एग्जामिनर की, जो साइकोलॉजिकली भी वो ये चाहता है, उसको पता है कि आप वकील नहीं हो, उसको पता है कि मैं ये उस बच्चे का टेस्ट नहीं ले रहा जो ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट है, वो उसका टेस्ट ले रहा है जो कि लॉ पढ़ना चाहता है.
तो वो आपका एक बेसिक एप्टीट्यूड चेक करेगा, वो बेसिक स्किल चेक करेगा दैट आर यू अवेयर, डू यू नो द, आर यू लिटिल मोर अवेयर देन द नॉर्मल लेमैन. मतलब कि जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो और मेट्रो में साफ साफ लिखा हुआ है एक बोर्ड के ऊपर, चाइल्ड लेबर इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस. ठीक है, वो सबके लिए लिखा है, वो आम जनता के लिए लिखा है, लेकिन अगर आप लॉ एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा व्हाट इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस. ओके, तो वो आपसे वही एक्सपेक्ट करता है कि आप नॉर्मल लोगों से थोड़े से ज्यादा अवेयर हो. तो आपको इन वाले एरियाज में उतना ही पढ़ना है जितना कि एक लॉ एस्पिरेंट को जाना है. सो यू डू नॉट नीड टू गेट इनटू ऑल द डेप्थ एंड ऑल द सेक्शंस. वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि सेक्शन बताओ इसका क्या है, उसका क्या है. लेकिन हाँ, अगर कोई एक नॉर्मल चीज है कि पता चल जाता ना बात करने में कि भैया ये जो बच्चा है ये लॉ एस्पिरेंट है, इसको लॉ की जानकारी है, और एक लेमैन है, उस दोनों में क्लियर डिफरेंस समझ आता है. ठीक है, तो सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है इसमें जितना कि एक लेमैन को लॉमैन बनाने के लिए जरूरी है. ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ये वाले दोनों एरियाज, इंटरनेशनल लॉ में आप सिर्फ और सिर्फ यूएनओ कवर कर लो अच्छे से. यूएनओ के अंदर कौन कौन से किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ये सारी चीज़ें, कौन क्या फंक्शन करता है, कौन कौन सी मेजर ऑर्गन्स हैं, ये सब आप यूएनओ में कवर कर लोगे, दिस इज इनफ. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको सेपरेटली लीगल वाले सेक्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है. जब आप अपना जीके और करंट अफेयर का सेक्शन करोगे तो उसके अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है आपको. मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको फैकल्टी ऑफ लॉ जाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करना पड़ेगा. मतलब कि यू लिटरली हैव टू फॉल इन लव विद द कॉन्स्टिट्यूशन. कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब कहीं देखो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए. अगर ऐसा प्यार नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से, आई एम वेरी सॉरी, यू माइट नॉट बी एबल टू लैंड इन टू फैकल्टी. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम, जस्ट गेट योर सेल्फ इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी. क्योंकि बाय एंड बाय सारा लॉ, एवरीथिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दैट ओनली, है ना. उसी को ही एक स्ट्रक्चर बना के, बेस बना कर ही सब कुछ डिराइव किया गया. तो अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपको ऊपर किसी भी ब्रांच में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कवर करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर हो जाएगा. मैगजीन्स, अब मैगजीम याद करने के तो 5000 मैगजीम है, उससे भी ज़्यादा होंगे. आप कितने पेपर में याद करके जाओगे? तो इसके लिए सिर्फ ट्रिक इतनी है कि पुराने पेपर्स उठाओ, पुराने पेपर्स पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर उठाओ और उनके अंदर जो मैगजीम यूज़ किए गए हैं उनसे रिलेटेड मैगजीम सिर्फ उतने याद कर लो. मतलब कि जो आपकी नॉमेनक्लेचर, आपका जो डिक्शनरी है मैगजीम्स का, वो 100 से 125 के बीच ही होना चाहिए. उसके अंदर आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि ये अक्सर पूछा जाता है. ठीक है, और जब आप ये सारे सेक्शंस, ये सारे एरिया पढ़ोगे तो इनमें जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स आते रहेंगे, जैसे कि फैसिट पर एलियम, फैसिट पर से, या फिर यूबी जैसे बी रेविनियम, या फिर इंजूरियस साइन डेमना, ये जब आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं. रेसिप्सा लॉक्यूटर, तो दोज आर ओनली द इंपॉर्टेंट मैगजीन विच यू नीड टू कवर. नेक्स्ट इज लीगल टर्म्स. लीगल टर्म भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए. अगर वैसे तो आपके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको लीगल टर्म्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. लीगल टर्म्स वही पूछेगा, जैसे अभी मैंने बताया कि प्लेंटिव, डिफेंडेंट, कॉग्निजिबल ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है, क्राइम क्या होता है, कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें जो आपको लेमैन और लॉमैन का डिफरेंस बताती हैं, वही लीगल टर्म्स आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है. बेंचमार्क केसेस, कम से कम 50 बेंचमार्क केसेस ऐसे हैं जिनके बेसिस पर प्रेसिडेंटली ही सब कुछ आने वाले लॉ, आने वाले सारे केसेस डिफाइन किए जाते हैं. तो बेंचमार्क केसेस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया यू नीड टू कवर. ओके, नेक्स्ट इज करंट अफेयर जीके. जीके की मैं बात करती हूँ तो जीके में आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ. 100 के 100 क्वेश्चन तो करके नहीं आने ना पेपर में, कुछ तो हम छोड़ भी सकते हैं. सो इस एरिया में आप यहाँ पे इतना भी कर लोगे वो भी काफी है. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मोर देन एनफ. नेक्स्ट इज करंट अफेयर. अब ये जो करंट अफेयर वाला सेक्शन होता है ना,
ये इतना वास्ट है कि आप सबको डेफिनेटली कंफ्यूजन होता होगा कि करंट अफेयर पढ़ना कितना है और कहाँ से पढ़ना है, कौन से महीने तक का पढ़ना है। देखो बेसिकली वैसे तो करंट अफेयर्स की कोई सीमा नहीं होती है, किस्मत ख़राब हो तो 2016 के पेपर में मैंने 2015 का करंट अफेयर, मतलब 2018 के पेपर में 2015 का करंट अफेयर भी देखा है, बट स्टिल रिकमेंडेड ये होता है कि पिछले एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है। अब करंट अफेयर वो नहीं पढ़ना जो कि यूपीएससी के एसएससी के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो लेवल चेक नहीं कर रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ना है। मतलब कि जैसे अभी कोई लीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर कोई जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में शायद कि आप ऐसे ऐसे वकील का नाम बताइए जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से एलिवेट होकर जज अपॉइंट हुए हैं, तो अब आप ये बताइए मुझे कि क्या मैं इसको लीगल करंट अफेयर्स बोलूंगी या मैं करंट अफेयर बोलूंगी या जीके का क्वेश्चन बोलूंगी। नहीं, ये करंट अफेयर है लेकिन दिस इज रिलेटेड टू लॉ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देर इज अ प्रोविजन जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट से एलिवेट होके हाई कोर्ट जज भी लग सकते हैं, तो वो आपसे उनका नाम पूछ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ वो एरिया कवर करना है जो कि लीगली रिलेटेड है या फिर जो आपके एग्जाम आने तक भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे कहीं दंगे हो रहे हैं, तो ये दंगे हो रहे हैं का क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि शायद जब तक आप एग्जाम लिख रहे होंगे तब तक वो चीज़ पैसिफाई हो चुकी होगी, कहीं ना कहीं ढंडी पड़ चुकी होगी। किसी का अपॉइंटमेंट ऐसा हुआ है जो कि बड़ा मेजर अपॉइंटमेंट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में अपॉइंटमेंट है जो कि आपके एग्जाम आने तक भी मायने रखेगा, अगले 3-4 साल भी मैटर करेगा। ऐसे करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान रखना है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट मीट हो रही है दुनिया में, जो मीटिंग जो है जो हिस्टोरिकली जिसके हमेशा जिसके बारे में पढ़ाया जाएगा या जिसकी वैल्यू जिसका सिग्निफिकेंस है, सो वो वाला करंट अफेयर आपको फिल्टर करना है पिछले एक साल का। तो ये वाला सेक्शन जो है विद द लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, अगर आप इसको इतने को भी कवर कर लोगे तब भी बहुत है, ठीक है। सो करंट अफेयर एंड जीके। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में दो ही चीजें पूछता है, आरसी और वोकैबुलरी। आरसी तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जितना पढ़ो उतना कम है, क्योंकि अपने आप में लॉ पढ़ना ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कि अनलेस आपको पढ़ना नहीं आता, कुछ कॉम्प्रिहेंड करना नहीं आता, इतनी मोटे मोटे केस लॉज होंगे तो आप उसको कैसे उसका कॉम्प्रिहेंड कैसे करोगे, उसमें बताओगे कैसे कि ये लिखा क्या है। तो आरसी की प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द ट्रिक हेयर इज कि पेपर है आपका ऑनलाइन, हमें अक्सर आदत होती है कि मुझे पैसेज दे दो, पेपर पेन पे लिखा होगा मैं मार्क कर लूंगी तो मैं आंसर बता सकती हूँ, बट ऑनलाइन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि पैसेज किसी और स्क्रीन पे है और आप आगे जा रहे हो, दूसरे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एंड देन यू हैव टू गो बैक टू द पैसेज, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड टीडियस। सो ओनली ट्रिक इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट टू ऑन कंप्यूटर। तो आरसी का प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो वो भी आपको कंप्यूटर के ऊपर ही करना है, तभी आपका आरसी तैयार हो पाएगा। अब वोकैबुलरी की बात करती हूँ, तो वोकैबुलरी तो आप जितने मर्जी वर्ड तैयार करके चले जाओ, जो मर्जी आप कर लो, लेकिन पेपर में आपको वही वर्ड दिखेगा जो आपने कभी सुना नहीं है, बिकॉज दिस इज एंडलेस, है ना, ये इसकी कोई भी सीमा नहीं है वोकैबुलरी की। बट हाँ, आप क्या कर सकते हो कि आप अपना एलिमिनेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आपका जो फेमिलैरिटी है वर्ड से, वोकैबुलरी से, वो इतना स्ट्रांग है कि आप 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन देख के ये कह दोगे कि नहीं ये आंसर नहीं होगा। तो जो एलिमिनेटेड आंसर है, जो बच जाएगा आपके पास रेजिडुअल आंसर है, वो आपका आंसर करेक्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आपके पास टाइम हो, सबके पास, तो प्लीज़ एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, उस बुक को पढ़ लेना, वर्ड पावर मेड इजी। थोड़ी मोटी किताब है लेकिन अगर पढ़ने बैठते तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बहुत अच्छे से दी हुई है। इसमें कोई आपकी वोकैबुलरी तो तैयार नहीं हो सकती, लेकिन आपका बेसिक कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या होना चाहिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो किस रूट वर्ड्स कैसे डिराइव किए गए हैं, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बड़े फेवरेट हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते जाते हैं। मैं 5-6 टॉपिक लिख देती हूँ, वो भी तैयार कर लोगे, दैट इज़ मोर देन अनफ फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड जहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम तैयारी का नहीं है। जैसे कि सीक्वेंस सीरीज के अंदर अल्फाबेट सीरीज होती है और नंबर सीरीज होती है, ठीक है, ये दोनों तैयार करना है। डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डी कोडिंग,
सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल, बस ये टॉपिक कर लो, लॉजिकल रीजनिंग तैयार हो जाएगा। मेजरली सीक्वेंस सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी ये सारे टॉपिक कर लोगे, दैट इज मोर देन एनफ। एंड लास्ट इज मैथ्स। मैथ्स आई नो 90% ऑफ द स्टूडेंट जो लॉ एस्पिरेंट होते हैं, जो लॉ एंट्रेंसेस निकालते हैं, उनका मैथ्स कमज़ोर होता है, बट अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है, आपका मैथ्स अच्छा है, तो दैट कुड बी एन एज फॉर यू, जहाँ पर आपके पास एक लीवे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स खराब होता है, तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपके पास प्लस पॉइंट है, दैट डेफिनेटली आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं। बट मैथ्स इतना ज़्यादा पेपर में आता नहीं है, हार्डली 5% आता है पूरे एग्जाम का, तो अगर आपका कमज़ोर है मैथ्स, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप मैथ्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत करो, इससे बेटर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे मेहनत करो, अपने लीगल पे मेहनत करो। हाँ, लेकिन आपका अगर मैथ्स अच्छा है तो प्लीज़ कुछ ऐसे टॉपिक्स लिख रही हूँ जिनको ब्रश कर लेना, अच्छे से इनको ब्रश कर लेना। हो सकता है कभी एक ग्राफ दे देता है, उस ग्राफ के ऊपर 5 क्वेश्चन दे देता है, वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड एवरेज। बस ये 4 टॉपिक्स बहुत हैं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई मेंसुरेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द प्लान, दिस इज द मटेरियल जो मैं वाउच करती हूं कि अगर आप ये भी पढ़ लोगे, ये तैयार करके चले जाओगे। अब इसको आपने कैसे अपने स्केड्यूल में फिट करना है, कैसे इसको प्लान बनाना है, कैसे टाइम एलोकेशन करना है, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन यू। ये पढ़ लोगे, that is more than enough, and I'm very sure this will take you to the faculty of law. So agar koi bhi issue hai, koi problem hai, if you feel like talking to me, if you want ki koi special aapko advice chahiye, then please feel free to comment, feel free to talk. All the very best for 2022. I hope to see you, ki aapki mehnat safal lae. Congratulations again, all the best, bye.